हेलो गाइस, वेलकम। आप देख रहे हैं इम्प्रूव मेडिकल नॉलेज विद डॉक्टर शाहिद आलम। गाइस, बात करेंगे आज हम बैनगट सस्पेंशन के बारे में, जो कि मार्केट में कई ब्रांड नेम से आता है। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। गाइस चलिए, बैनगट एक ब्रांड नेम है। इसके अंदर दवाई बेसिलस स्क्लेरोसिस स्पोर्स होता है, जो कि एक प्रोबायोटिक होता है। गाइस, जैसे कि किसी भी प्रकार के इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होने की वजह से इंसान का डॉक्टर द्वारा एंटीबायोटिक चलाया जाता है, जिसकी वजह से बेड बैक्टीरिया को मारने के साथ साथ गुड बैक्टीरिया भी किल होने लगता है, जिसकी वजह से लूज मोशन और पेट ख़राब रहने लगता है इंसान का। तो उसमें प्रोबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, बेसिलस क्लोसिस स्पोर्स का। प्लस जैसे कि कोई मरीज पॉइजन वगैरह खा लेता है, उसके बाद में वो ठीक तो हो जाता है, लेकिन पेट उसका गड़बड़ रहने लगता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में उसके दिक्कत आती है, खाना खाने के बाद फौरन तुरंत उसको टॉयलेट जाना होता है, पेट में गड़बड़ी टाइप रहने लगती है, जैसे कि बार बार टॉयलेट जाना, उसमें भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। गाइस, जैसे कि किसी को डायरिया हुआ है, लूज मोशन हुआ है किसी भी वजह से, वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। गाइज, यह मार्केट में कई ब्रांड नेम से आता है, जैसे कि एंट्रोमैक्स के नाम से आता है, डेरोलक एक्वा के नाम से आता है, एंट्रो जर्मिना के नाम से आता है, प्लस एनबियोस के नाम से भी आता है। तो चलिए गाइज, जानते हैं इसकी डोज के बारे में। गाइज, डोज इसकी 1 महीने से लेकर 5 साल के बच्चे में आधा रेस्पुल सुबह दोपहर शाम या फिर सुबह शाम दिया जा सकता है। इसी प्रकार गाइज, एडल्ट में भी बैनगट सस्पेंशन का 1 रेस्पुल सुबह शाम या फिर सुबह दोपहर शाम दिया जा सकता है। इसमें और किसी भी प्रकार के एंटीबायोटिक में गैप रखना बहुत ज़रूरी, तो किसी भी प्रकार की दवाई के साथ इसको नहीं दिया जाना चाहिए। रही बात ब्रेस्ट फीडिंग मदर और प्रेगनेंसी की, तो इन दोनों में भी इसको सेफ माना गया है डॉक्टर द्वारा। प्रेगनेंसी में भी दिया जाता है और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में भी दिया जा सकता है। गाइज, कॉन्ट्राइंडिकेशन, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन जैसे कि बस किसी भी मरीज को बेसिलस क्लोसिस है, एलर्जी हो तो उसको नहीं दिया जाना चाहिए। बस कोई साइड इफ़ेक्ट भी इसके खास नहीं देखे गए हैं, स्किन रैशेस या फिर ईचिंग वगैरह या फिर पेट में दर्द वगैरह हो सकता है। गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए। और किसी प्रकार की दवाई की इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू।